हर माह के तीसरे और चतुर्थ शनिवार को जिले के सभी थानों पर समाधान दिवस का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह और एसएसपी हेमराज मीना ने पाकबाड़ा थाना पहुंचकर फरियादियों की शिकायतों को सुना। वहीं अधिकारियों ने शिकायतों का निस्तारण समय की अवधि के अंदर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया। थाना समाधान दिवस और तहसील दिवस के अलावा भी थाने पे आते रहते हैं, हमारे कार्यालय में आते रहते हैं, तो आज के दिन उन सबको भी डिस्पोजल कराने के लिए बताया गया है, क्योंकि यदि थाने पे लोग नहीं आ रहे हैं तो ये प्रार्थना पत्र वैसे रेगुलर उसमें आता है, तो उनका भी डिस्पोजल आज करा दिया जा सकता है। तो सभी को बताया गया है कि सभी पुराने जो मामले हैं उनको चिन्हित करके उनका डिस्पोजल। वहीं डीएम ने कहा कि भूमि और चक्रोड विवाद का राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाकर पक्षों के आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराए, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। जिलाधिकारी ने शिकायत पंजिका का निरीक्षण भी किया। देखिए, सेकंड और फोर्थ शनिवार हर महीने के सेकंड और फोर्थ शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन होता है, तो उस सिलसिले में मैं और वाइस पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ जो पूर्व की शिकायतें आई थी, शिकायतकर्ताओं से जो मोबाइल नंबर उनके हैं उस पर बात की गई, उनकी संतुष्टि का लेवल जानने का प्रयास किया गया। सामान्यतः जो फीडबैक मिला उसके हिसाब से शिकायतों का निस्तारण अच्छा हुआ है। चार शिकायतकर्ताओं से बात की गई और सभी ने संतुष्टि व्यक्त की कि जो निस्तारण हुआ है वो ठीक हुआ है, हम संतुष्ट हैं। यही मनसा है कि जो भी शिकायत करता है उसको त्वरित न्याय दिया जाए और गुणवत्तापरक न्याय दिया जाए, इसी उद्देश्य से थाना समाधान दिवस और तहसील समाधान दिवस का आयोजन होता है। और हम चाहेंगे कि जो भी भूमि संबंधी शिकायतें हैं लोग यहाँ आए और उसके माध्यम से अपना निर्णय। जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें आज फरियादी तो कम आए लेकिन जो शिकायतें थाने से प्राप्त हुई थी उनके मोबाइल पर कॉल कर उनकी समस्याओं को सुना गया और वो लोग संतुष्ट भी हैं।